हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हितेश भाई है यहां पर। नमस्ते। इससे पहले आप सभी ने बॉन्डिंग मशीन से रिलेटेड वीडियो हमारा देखा था। इनकी बॉन्डिंग मशीन है और अच्छा काम है। आज हम एक इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि ये चीज़ हम बताने वाले हैं आपको, ये काम कैसे करती है। भी इस साइड से मत रखिए, ठीक है। अगर जो खोलने का तरीका, या तो आप देख लो कि आपको कौन सी साइड से ओपन करना है, आपको उल्टा ऐसे रखना है, कभी भी निकालते वक्त करंट वाला हिस्सा आपके सामने ना हो, ठीक है। ये है हाई वोल्टेज करंट एरिया, जिसमें 5000 किलो वोल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 किलो वोल्ट का झटका हम देते हैं और पैनल को रिपेयर करते हैं। 5000 किलो वोल्ट मतलब समझ सकते हैं हम, पहले ईएसटी का झटका देखते थे वो 32 किलो वोल्ट था, अब ये कितने गुना हो गया। अगर जो 5000 किलो वोल्ट मीन्स बहुत ही हाई स्पार्क है। इसमें कुछ चेतावनी भी मैं दूंगा कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अगर जो आप मदरबोर्ड लगा हुआ है और पैनल के साथ आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप ये मदरबोर्ड ख़राब कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप कोई सस्ता मदरबोर्ड हो, जैसे कि यूनिवर्सल बोर्ड, बैकलाइट टेबल पर रख कर देखें और ठीक करें, ठीक है। चांसेस इस वाले में कम है कि मदरबोर्ड खराब हो, लेकिन खराब हो सकता है मदरबोर्ड में, जिसमें एंड्रॉयड टीवी है, एंड्रॉयड बोर्ड है और प्रोसेसर 1 वोल्ट वाली, 0.9 वोल्ट वाली, जो कम वोल्टेज वाली प्रोसेसर, जिसमें ओम्स भी कम होता है, 40 ओम्स की उसकी सप्लाई लाइन होती है। डायोड टेस्ट की रीडिंग जिसमें 0.020 से लेके 0.040 होती है, उस वाले बोर्ड में आपको ये लगाकर ट्राई नहीं करना है। ये डिस्प्ले पे लगाने वाली चीज है, हम आपको बताएंगे किस तरह से यूज होता है। ये हाई करंट डिवाइस है, इसमें स्विच दे रखी है, यहाँ पर आप दिखा दीजिए, अभी ऑफ मोड पे है, यहाँ पे एक स्विच दे रखी है, ये अभी ऑफ मोड पे है, टॉर्च के लिए बीच में है, ठीक है। ये लाइट चलेगी, आप टॉर्च का यूज कर सकते हैं। अब आता है खतरनाक एरिया, ये लाल लाइट जली मतलब खतरा, ठीक है, डेंजर। और ये स्विच दबाने पर ये आर्क, ठीक है। बैटरी इसमें चार्ज होने के लिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट, जो मेन केबल है, सीधा आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। हम अब यहाँ पर आपको बताएंगे ये पूरा डेमो करके। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये खतरनाक चीज हम ऑन नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये है जिसका वीडियो मैं बताने वाला हूँ, कुछ चेतावनी के साथ वीडियो बनाया कि अगर जो इसको यूज करना है तो किन चीजों के साथ आप इसे यूज नहीं करेंगे। एंड्रॉयड टीवी है जिसमें 1 वोल्ट सप्लाई लाइन प्रोसेसर में जाती है, यहाँ पर जिसमें ओम्स कम होते हैं, 40 ओम्स, 20 ओम्स, ठीक है। ऐसे लाइन वाले में आपको ये यूज नहीं करना है। इसका यूज आप तब करेंगे जब यूनिवर्सल बोर्ड हो आपके पास, ठीक है। पैनल चेक करने के लिए यूनिवर्सल बोर्ड रखेंगे और उसके साथ ये आप यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक बोर्ड खराब ही हो जाएगा, लेकिन चांसेस आर दैट आपका महंगा टीवी खराब कर सकता है। ये 100 में 5 पीस मतलब 5% बोर्ड खराब करने की भी ताकत रखता है, मदरबोर्ड खराब करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए ही ये वीडियो मैंने बनाया कि आप भी जब इसे यूज करें तो कोई महंगे टीवी पे इसका प्रयोग ना करें जिसमें मदरबोर्ड मिलता ना हो, ठीक है। अगर जो मिलता हो तो बहुत कॉस्टली हो, ये यूज कैसे करना है मैं अभी वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल सेट है जो कि 32LS20R मॉडल का है, ठीक है। इसमें फॉल्ट क्या है मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद अभी हम सबसे पहले वोल्टेजेस देख लेते हैं। इसमें इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है, -5 27 वोल्ट, और ये LG की पैनल है तो ऑड इवन के जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, ऑड इवन मतलब 27 और -5 की स्विचिंग होती है, ठीक है। और ये जो फॉल्ट आप जो देख रहे हैं इसमें, ये फॉल्ट है ऑड इवन की लाइन की शॉर्टिंग, जो हम पैनल को टच तो करेंगे लेकिन खोले बिना भी आप ये से रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से रिपेयर करना है वो तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा ही,
लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे कि पहले चेक करना है, हमेशा कोई भी चीज़ सीधा आपको मिल गई है तो बंदूक की तरह चालू नहीं हो जाना है, पहले प्रॉपर टेस्टिंग करनी होती है कि कहीं टिकॉन में फॉल्ट तो नहीं है। टिकॉन की पूरी टेस्टिंग करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और इसको प्रयोग करेंगे, ये जो आपको मैंने प्रोडक्ट बताया। सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आप तक ये जरूरी जानकारी पहुंचानी थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। हम अभी चेक कर रहे हैं पैनल VCC, ठीक है, अब चेक करेंगे VGH और VGL और AVDD। अब AVDD ये डायोड की नेगेटिव पॉइंट पे देखें, यहाँ पे 15 वोल्ट करीब मिल रहा है, ओके, और VGH 26 और VGL और ये रहे VGL -7 और D1। जो टेस्ट पॉइंट दिखा दो पहले, यहाँ पे मार्किंग कोड मैं पहले समझा देता हूँ। ये मार्किंग कोड में आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर A अल्फाबेट में दिया हुआ है और इतने जो टेस्ट पॉइंट है इसकी मार्किंग है, और यहाँ पे आपको देखना है A अल्फाबेट दिया है, ठीक है, यहाँ क्लोजअप पे ले लो थोड़ा। यहाँ पे VST, ये ऑड, ये इवन, उसके बाद 6 गेट लाइन्स हैं, ठीक है, क्लॉक लाइन्स, जो कि ऑन ऑफ वोल्टेज मतलब पल्स के टाइप के वोल्टेज यहाँ पर आते हैं, हम जो DSO से चेक कर सकते हैं। तो ऑड इवन जो 27 और -5 की वोल्टेज रेटिंग है हम वो देखेंगे, ये भी ख़राब होती है, तो हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर ऑड और इवन। VST भी चेक कर लेना नहीं, VST की ज़रूरत नहीं है, ये जो प्रॉब्लम एरिया है वो यहाँ पे डेजिग्नेट करता है। हम अभी चेक कर रहे हैं ऑड इवन, यहाँ पे 26 वोल्ट और -7 की स्विच हो रही है। अब इवन चेक कर रहे हैं थर्ड टेस्ट पॉइंट, यहाँ पर 26 एंड -7 एंड 26, ये स्विच होता रहेगा। एक समय पे आप देखेंगे कि दोनों साथ में, अगर जो मैं मीटर 2 मीटर रखूँ तो एक -7 होगा और एक 26 वोल्ट, ठीक है। yes. तो आज हमारा प्रयोग करने का एक मौका मिल गया हमें, जो नया डिवाइस आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं चेक करूँगा, पहले कन्विंस होऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या खरीदना चाहिए या नहीं।